हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप साथ मिलकर चल सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। हाँ ठीक, वो मुझे वैसे भी आते हैं जो, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। मैम आमना, आप अगर स्क्रीन शेयर करना चाहें तो करके जल्दी से एक्सप्लेन कर सकती हैं। सर कोई रिवाइज करवाना चाह रहा था, मैं स्क्रीन शेयर कर यस दूं, वो मुझे बता दें कि वो कहाँ से रिवीजन कराना चाह रही है। यस, जैसे वो कंफर्टेबल फील करें, अगर वो अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो वो कर दें, अगर चाहते हैं कि मैम शेयर करें तो भी बता दें। जी तो जी यहाँ ना आमना अपनी मेरे, शेयर कर रही हैं। ठीक है बेहतर हो गया। जी सर, जैसे कि मैम ने हमें कल बताया था काफी सारे केसेस के बारे में, तो इनमें से हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को, हमने क्लास, स्ट्रिंग की क्लास है जिसमें हमने वैल्यू दी पाइथन, तो हमने कल पढ़ा, जैसे मैम ने हमें बताया था अपर केस के बारे में, तो अपर केस में ये होता है, मेरी आवाज आ रही? जी आमना अपर आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। केस में ये होता है जो हमें जी वैल्यू दी गई मैम, आ है रही है स्ट्रिंग आवाज। में, जो हमें वैल्यू इसको दी गई है पाइथन, तो इसका, इस वैल्यू को हमें अपर केस में कैपिटल कैपिटल कर देते हैं, सॉरी कैपिटल, सॉरी कैपिटल उसमें कन्वर्ट कर देते हैं अल्फाबेट्स में। तो जब हमने यहाँ पे पाइथन जब हमने लिखा, तो इसको जब हमें कैपिटल अपर केस में कन्वर्ट किया, तो इसे हमें पाइथन को अपर का कैपिटल करके दे दिया। जैसे यहाँ पे रन किया हुआ है, तो अभी एक हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की स्ट्रिंग वन के नाम से, इसमें हमने प्रोग्रामिंग दे दी, इसमें अब कोई भी अपर लॉ कैपिटल लिखा हो या स्मॉल, कुछ किसी जिस मर्जी अल्फाबेट्स में लिखा हो। यहाँ पे हमें कल केस पड़ा था लोअर केस, तो इसमें ये होगा कि जो हमें ऊपर वैल्यू दी गई है इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब जो भी हमें वैल्यू ऊपर दी गई है इसको स्मॉल अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करके दे देगा। इसी तरह हमने एक और केस पड़ा था कैपिटलाइज, इसमें ये होगा जो हमें वैल्यू दी गई है इसका जो फर्स्ट लेटर है इसको हमें कैपिटलाइज कर देगा, बाकी सबको स्मॉल रहने देगा। इसी तरह हमने एक और केस पढ़ा था सॉर्टेड, इसमें क्या होगा, हमें ना अरेंज करके दे देगा, जैसे अल्फाबेट्स अरेंज होते हैं ए बी सी डी, इसी तरह हमें अरेंज करके दे देगा। इसमें हमें स्ट्रिंग में हमने वैल्यू डिक्लेयर की पाइथन, इसमें जो हमें अल्फाबेटिकली हमें मतलब अरेंज कर देगा, जैसे नीचे इसने किया था अल्फाबेटिकली पहले एच आता है फिर एन आता है फिर ओ, तो इसी तरह इसने हमें डिक्लेयर करके दे दिया। इससे तो हमने कल एक और केस पढ़ा था ज्वाइन केस, तो इसमें ये होता है जो ज्वाइन से पहले हम जो भी करेक्टर हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ खाली ब्रैकेट खाली स्पेस दी हुई है, तो इसी तरह जो स्ट्रिंग में हमने जो पहले वैल्यू स्टोर की हुई थी, जैसे यहाँ पे पाइथन स्टोर किया हुआ है, तो ये पाइथन स्टोर किया हुआ है, इसी पाइथन में जो हमें साथ पाइथन के हर लेटर के साथ हमें स्पेस लगा देगा। इसी तरह एक और केस था, जैसे यहाँ पे थर्ड फोर्थ लाइन है, फोर्थ लाइन है, इसमें स्ट्रिंग प्रिंट किया हुआ है एक्स को, तो इसी तरह इधर सॉर्टेड और ज्वाइन को दोनों केस साथ से मतलब साथ किए हुए हैं, साथ किए इधर, इसमें स्ट्रिंग में को, इसमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी मतलब स्पेस नहीं दी गई, तो इसलिए इसमें स्पेस हमें नहीं की। अगर यहाँ पे कोई भी हम वैल्यू लिखेंगे तो वो हमें उसी के हिसाब से हर वर्ड के साथ वो वैल्यू डिक्लेयर करके दे देगा, जैसे अब यहाँ पे हमने स्पेस दी थी तो यहाँ पे एच के बाद उसने स्पेस लगा दी, अगर यहाँ पे हम इसके अंदर सिक्स दे देंगे स्पॉस, तो वो हमें सिक्स हर वर्ड के साथ सिक्स लिख के दे देगा, साथ में हमने स्पेस भी लगाई थी तो उसने स्पेस लिख दी। इसी तरह हमने, और ये जो हमें जो सॉर्टेड वैल्यू होती है ये हमेशा स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके देती है हमें, तो और ये इसने हमें कर दिया। इसी तरह हमने बहुत और केस पढ़ा था काउंट काउंट केस, इसमें ये होता है जो हमें वैल्यू दी गई होगी ऊपर उसको हमें काउंट करके दे देगा, जैसे हमने यहाँ पे इधर लिखा हुआ है आई, लेकिन इसके अंदर आई नहीं है ऊपर वाली वैल्यू के अंदर, तो वो हमें आई इसमें फॉल्स करके दे देगा, आई थिंक क्या जीरो जीरो उसमें आई नहीं है तो जीरो लिख लिया इसने। अगर हम यहाँ एल लिखेंगे तो यहाँ पे थ्री एल आई थिंक ऊपर है, थ्री एल है तो हमें नीचे थ्री डिक्लेयर कर देगा आंसर में। इसी तरह यहाँ पे एंड एंड विद था, तो यहाँ पे एंड विद में इस केस में ऐसा होता है कि जो हमें एंड हम जो वर्ड्स देंगे, जैसे यहाँ पे एल आई ओ है, तो जो बी की वैल्यू हमें दी गई है एल मतलब हेलो आई हेलो, तो एल हेलो सॉरी, तो उसके अंदर लास्ट में डबल एल ओ आ रहा है, यहाँ पे एल आई ओ है इसका मतलब ये नहीं है, तो ये हमें फॉल्स डिक्लेयर कर देगा। जी सॉरी वही, जाहिद शायद आपकी, आप कोई क्वेश्चन करना जी चाह रहे हैं, आपकी कोई आवाज नहीं आ रही। जी मैडम, क्वेश्चन है मैडम, जी पूछिए। ये थोड़ा सा इसको अगर स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा, या अप करें, सॉरी
स्टार्ट्स विद के ऊपर जो है, कौन सा, सॉरी ऊपर एक काउंट, काउंट मैडम ये फंक्शन है या मेथड है ये, क्योंकि इसमें हमने ऑब्जेक्ट को साथ लिखा है ना, इसको ये मेथड होगा या फंक्शन होगा ये इधर, क्योंकि ऊपर फंक्शन लिखा हुआ हमने तो नीचे मेथड की तरह इसको नहीं कॉल कर रहे, फंक्शन को ही मेथड कहते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है इसमें, और ये काउंट है, स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग का मेथड है, मेथड सही, चलो सही, थैंक यू। हम पढ़ते एंड विद, तो इसमें लास्ट में जब हमें दिया गया एल आई ओ, तो हेलो के अंदर एल आई ओ नहीं है तो ये हमें फॉल्स, इसने हमें दे दिया, रिटर्न कर दिया। अगर हम यहाँ पे डबल एल लगा दें, आई की जगह एल एल लगा दें, तो ये हमें ट्रू कर देगा, क्योंकि ये है इसके अंदर। और इसी तरह हमें स्टार्ट था, तो यहाँ पे इसने लिखा, हमने एच लिखा था, तो एच ये स्मॉल है, अगर हम यहाँ पे स्मॉल है तो ये फॉल्स डिक्लेयर करेगा। अगर यहाँ पे हम बड़ा एच लिख देते हैं तो वो हमें, मतलब कैपिटल एच लिख देते हैं तो वो हमें ट्रू दे देगा। मैम एक्चुअली ये एल एल से स्टार्ट हो रहा है, एल से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, तो इसने हमें ट्रू दे दिया। इसी तरह और फाइंड में होता है कि जो हम वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, इनवर्टेड कॉमास के अंदर, वो हमें पहले देखेगा कि उधर उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू है कि नहीं है। अगर वो हुई तो वो हमें ट्रू ट्रू मतलब दे देगा उसकी वैल्यू, और अगर ना हुई तो वो हमें नहीं देगा। जैसे कैन नहीं है तो इसने हमें माइनस वन दे दिया। अगर यहाँ पे हम एच लिख दें, तो ये हमें वन टू वन ट्वेंटी क्लियर करेगा। सर हो गया, थैंक यू सो मच दुर्यामना, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा रिवाइज करवाया। और मैं सब पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहूंगी कि आप लोग भी आगे आया करें, जरूर कोई ना कोई एक टॉपिक रिवाइज करवा दिया करें, या थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन अगर आप करें तो आपको खुद उतने कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच एंड वेल डन दुर्यामना। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इस सब में या अभी तक जितना होने पर है उससे रिलेटेड कोई जनरल क्वेश्चन भी हो तो वो पूछ लें, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हमारे पास मैटलैब में हेल्प विंडो की होती है कि वो यूजर फ्रेंडली है, तो हम हेल्प विंडो से किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं, अगर हमें फंक्शंस का भी नहीं पता और मेथड को डिफरेंशिएट करना, तो क्या पाइथन भी ये प्रोवाइड करती है हेल्प विंडो? शुमाइला मैटलैब का तो कोई और है, मैटलैब का तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। अलबत्ता पाइथन में ये होता है कि अक्सर आईडीई ऐसे होते हैं, जैसे वीएस कोड पर्टिकुलरली, वो ऐसा आईडीई है कि उसमें हम कोई भी मेथड लिखते हैं तो उसकी साथ उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है उस पर, अगर हम लोग कर्सर लेके जाएं तो ये हो सकती है थोड़ी इसमें, बाकी हेल्प विंडो का मुझे मैटलैब का आइडिया नहीं है। मैम एक ऐड कमेंट। जी बिल्कुल मैम, इसमें ना अगर हम कोई भी हमें समझ नहीं आ रहा फंक्शन है उसका लिखेंगे डॉट हेल्प, तो आपको सिर्फ बता देता पाइथन में भी होता है इस तरह। हाँ जी, डॉट हेल्प का भी फंक्शन होता है, बिल्कुल, थैंक यू सोहेब आपने याद करवा दिया, बिल्कुल ये भी होता है। ओके, तो मतलब अगर मैं डॉट हेल्प लिखूंगी तो उससे रिलेटेड सब कुछ आ जाएगा, जो पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है उससे रिलेटेड वो आ जाएगी सब। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू टू सुहेल। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है या हम लोग स्टार्ट करें नेक्स्ट? जी जाहिद मैडम, कल भी पूछा था मैंने, वो तो टाइम शायद आखिर में नहीं था इस वजह से। अच्छा मैडम, मैंने कल परसों मेरी फर्स्ट क्लास थी, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं पुराने लेक्चर रिवाइज कर रहा था आपके फेसबुक से, उसमें स्ट्रिंग मैंने देखा था, उसमें ट्रिपल सिंगल कोट्स जो होते हैं, हाँ जी, उसके अंदर मैंने जो टेक्स्ट था आई कोड गुरु, आई कोड के आगे पीछे मैंने सिंगल कमेंट प्रिंट में साइड करना चाह रहा था, तो और दूसरे कोड के आगे पीछे डबल कोट्स, तो वो तो रिजल्ट आ रहा था, लेकिन जब जब मैंने डबल कोट आई कोड पे लगाया और सिंगल कोड गुरु पे लगाया तो वो स्नैप दे रहा था।
जाहिद मैं स्क्रीन अपनी शेयर करती हूँ, फिर आप मुझे लिखवाएं, मुझे आपकी ना आवाज दरमियान से बहुत स्लो हो जाती है, तो आप मुझे लिखवाते जाना कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, उसका कोई कंसेप्ट मल्टी लाइन स्ट्रिंग सर। ठीक है, हम लोग करते हैं वो प्रैक्टिस, अभी करते हैं। थैंक यू। हाँ जी, अब आप क्या करना चाह रहे हैं? आप इसके अंदर कोई कोट्स यूज करना चाह रहे थे? जी जी मैम, जैसे दिस लिखा हुआ है इसके अंदर सिंगल कोट और लास्ट वाले पे डबल कोट, स्ट्रिंग पे डबल कोट। ओके। ऐसे? जी जी मैम। मैम ये वैलिड नहीं है। अच्छा, कोई पार्टिसिपेंट बताना चाहेगा कि ये वैलिड क्यों नहीं है? अनमो के ना उसने ना देखा है कि ना ये ट्रिपल स्ट्रिंग लगे मैंने यहाँ पे, तो ये उसने पायर ट्रिपल स्ट्रिंग को कंसीडर कर लिया, एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग आ गई, वो कुछ नहीं कर सक रहा। और अगर हम लोग इसको इस तरह से करें? फिर काट देगा, करेगा नहीं करेगा। लेकिन लेकिन अगर अभी अगर अभी बायर सिंगल वो कर दे तो फिर नहीं होगा, फिर भी एरर देगा। और देखें, अब आपको खुद भी अपने क्वेश्चन का आंसर आपने खुद ही भी दे दिया जो आपने क्वेश्चन किया था। सही सही। आपको समझ आई जिनका क्वेश्चन था? जाहिद, जी, जब हम लोग सेम टाइप के कोर्स यूज करते हैं और उनको अंदर भी हम लोग स्पेसिफाई करते हैं और कोर्स को स्ट्रिंग के लिए भी स्पेसिफाई करते हैं, तो फिर वो एरर देता है, पाइथन को समझने में डिफिकल्टी होती है। इसीलिए ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी है और ये भी पाइथन में एक एफिशिएंसी है कि या इजी है इस काम के लिए कि सिंगल कोर्स और डबल कोर्स जो होते हैं वो दोनों स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करते हैं। ये जैसे ये एक सिंगल कोट है और ये होता है डबल कोट। आपको समझ आ गई? जाहिर समझ आ गई। थैंक यू, थैंक यू मैडम, समझ आ गई। इसके अलावा तो नहीं कोई क्वेश्चन आपका? आप रिवाइज कर रहे थे तो कोई और चीज? नहीं कोई नहीं, नहीं बाकी क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन? मैम जरा काउंट रिपीट के बाद नहीं, सेकंड तो लेट आया हूं क्लास में। अच्छा, आपको क्या मेथड्स की बात कर रहे हैं आप? काउंट मेथड जो नहीं है उसके बारे में बस, तो बता दें करता क्या हुआ। ओके, काउंट का क्या मतलब है? कोई चीज काउंट करना, गिनना, काउंट करना। तो काउंट के मेथड का क्या मतलब होगा कि वो कुछ काउंट करेगा? क्या काउंट करेगा? जो चीज हम उस मेथड के अंदर जो ऑब्जेक्ट देंगे, जो चीज स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है द काउंट फंक्शन, और चलिए इस वजह से आप लोगों को हो रही थी कंफ्यूजन कि यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है। यस मैडम, मुझे मैंने पूछा। सही सही सही। अब ठीक है, काउंट मेथड ये होता है कि हमने कोई स्ट्रिंग है उसके अंदर एक स्पेसिफिक करेक्टर की वो कितनी दफा यूज किया है वो काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग है ए वेरिएबल में हेलो वर्ल्ड, और हमने काउंट मेथड में यूज किया है ये चीज आई। आई को हम काउंट कर रहे हैं, जितनी दफा इस पूरे में आई यूज होगा वो उसको बता देगा। अब आई तो इसमें यूज नहीं हुआ, पहले मैं आपको वो चीज दिखाती हूँ जो इसमें यूज हुई हुई है। लेट्स से ओ, तो ओ जैसे आपने देखा है, आपको पता चल गया कि यहाँ पे इस स्ट्रिंग में दो दफा ओ यूज हुआ है, तो उसने रिटर्न कर दिया हमें टू। और जैसे यहाँ पे पहले आई लिखा हुआ था तो जीरो, यानी आई यूज नहीं हुआ तो जीरो टाइम्स काउंट हुआ है। काउंट मेथड आपको क्लियर हो गया? यस मैम। सिर्फ हमारे एक जो भी एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है वो कितनी दफा हमारे स्ट्रिंग में यूज हुआ है हम वो काउंट करते हैं इसमें।
अच्छा आप लोग काइंडली मुझे बता दें कि कल आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, मैं कल का लेक्चर मैंने नहीं देखा था क्या हुआ। मेरे ख्याल से मेथड से पढ़े थे। जी जी मैडम, ये सारे हो गए थे, एंड्स विद स्टार्ट्स विद। ठीक, और ये एस्केप करैक्टर नहीं पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा मैडम, स्टार्ट करना। ऑलराइट, तो स्ट्रिंग में एस्केप करैक्टर सर यहाँ पे थोड़ी कम है, मैं आपको कुछ और भी चीजें इसमें बता दूंगी। एस्केप करैक्टर ये है कि एक तो हमने स्ट्रिंग के अंदर इलीगल करैक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराना है। जैसे ये हम लोग पहले यूज करते हैं कि अगर हमने स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स यूज करने हैं तो स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करने के लिए हम सिंगल कोट्स यूज कर रहे हैं या फिर ट्रिपल कोट्स यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने एक स्ट्रिंग स्टार्ट कर दी है डबल कोट से और हमने उसके अंदर ही डबल कोट्स को आउटपुट में लेके आना, तो फिर हम एस्केप करैक्टर यूज करेंगे। और इसका फॉर्मेट क्या है कि आपने बैकलैश और उसके बाद वो करैक्टर जो आप इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं वो आप इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो जहां पे ऑलरेडी रन हुआ हुआ है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल के नाम से हमारे पास स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमने जो स्टार्ट की थी स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करने के लिए, जो स्ट्रिंग स्पेसिफायर है वो डबल कोट्स यूज किए, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने दोबारा डबल कोट्स यूज किए इलीगल करैक्टर्स के लिए। और वो किस तरह से हम अब यूज करेंगे उन इलीगल करैक्टर्स को, या इन इस केस में इलीगल करैक्टर क्या है, डबल कोट्स, तो उससे पहले हमने बैक स्लैश यूज कर दी, तो अब ये हमारे पास बगैर एरर के रन हो जाएगा। सेम इज द केस अगर यहाँ पे स्ट्रिंग हमारे पास सिंगल कोट से होती और अंदर हमने सिंगल कोट्स यूज करने थे तो हम ये एस्केप करैक्टर यूज करना था हमने। एरर फ्री हम लोगों के पास आउटपुट आ जाएगी। इस बात की समझ आई, मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करने लगी। इस पॉइंट की समझ आ गई आपको? ठीक है, इसके बाद एस्केप करैक्टर्स में दो करैक्टर्स मैं आपको और इंट्रोड्यूस कराने चाह रही हूँ, एक है बैक स्लैश एन और दूसरा है बैक स्लैश टी। सी प्लस प्लस जिन्होंने पढ़ी है उनको आइडिया होगा कि क्या है बैक स्लैश एन और बैक स्लैश टी। बैक स्लैश टी मैम टैब स्पेस के लिए, यानी कि फोर स्पेस के लिए, और बैक स्लैश एन नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए। बैक स्लैश टी है फोर स्पेसेस के लिए और बैक स्लैश एन है नेक्स्ट लाइन एंड करने के लिए, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। बिल्कुल, आप लोगों को तो पता है जहाँ पे हमने बैक स्लैश टी यूज किया था वहां पे टैब को ये रिप्रेजेंट कर रहे, तो ये फोर स्पेसेस आ गई, उसके बाद बैक स्लैश एन यानी न्यू लाइन और न्यू लाइन में ये आ गया। सिंपल, आपके स्ट्रिंग को खूबसूरत बनाने के लिए या उसमें ज्यादा चीजें यूज करने के लिए हमने ये यूज किया। जी जब बैक स्लैश टी यूज करेंगे तो तब फोर स्पेसेस आएंगी? हाँ जी, फोर स्पेसेस। ओके ओके, ये टैप को रिप्रेजेंट करे ना, और टैप में जैसे हम लोगों के पास नॉर्मली फोर स्पेसेस होते हैं तो ये भी फोर स्पेसेस हैं। ठीक हो गया, ये था एस्केप करैक्टर्स। ये भी स्ट्रिंग में थोड़ा आप लोगों को बताने के लिए था कि स्ट्रिंग में और क्या क्या हम कर सकते हैं। एक और चीज होती है यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में यह होता है कि हमने एक स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग को लिखने में इजी उसको करने में हम लोग यूज करते हैं, इसको एफ स्ट्रिंग भी कहते हैं, इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी कहते हैं। इसका सिंटेक्स ये होता है कि हमने कर्ली ब्रेसेस यूज करनी है और उसके बाद जो चीज़ हम उसमें एंटर कराना चाहते हैं वो हम लोग करवा देंगे। जैसे यहाँ पे एक चीज है, हमने प्रिंट करवाना है हाय, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर उसके बाद हमने फॉर्मेट का फंक्शन यूज किया डॉट फॉर्मेट, और फिर फॉर्मेट फंक्शन में हमने यह फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की एक वैल्यू दी अहमद। अब ये अहमद जो वैल्यू है ये प्लेस हो जाएगी कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अच्छा, ये वैसे सिंपल सी है लाइन, आपने इसमें ये नहीं कंफ्यूज होना कि हम लोग तो ये बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं तो ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्यों यूज करते हैं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को हम लोग यूज करते हैं इसका बहुत फायदा होता है, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको सिंपल दी हुई है। हम लोगों ने एक स्ट्रिंग लिखी कोई भी, जैसे अगर इसकी आपको भी समझ नहीं भी आ रही ना ये ऊपर वाले फंक्शन की, तो ये वाला आपको पहले देखनी, एक वेरिएबल एक्स है उसके अंदर स्ट्रिंग है आई डोंट नो, और उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए।
अब हम इन कर्ली ब्रेसेस में वो चीज ऐड कर सकते हैं, बाद में ऐड कर सकते हैं जो हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में यूज करेंगे। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में क्या है कि आपने स्ट्रिंग का पहले नाम लिखना है, डॉट, उसके बाद फॉर्मेट, और उसके बाद जो आप ऐड करना चाहते हैं, जो पीस ऑफ स्ट्रिंग या करेक्टर कोई ऐड करना चाहते हैं उस जगह में जहाँ पे उस स्ट्रिंग में कर्ली ब्रेसेस हैं, तो वो हम इस फॉर्मेट के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे और ये जाके उस तरह प्लेस हो जाएगी। ये प्रोग्रामिंग अब यहाँ पे आ जाएगा, आई डोंट नो प्रोग्रामिंग, ये स्ट्रिंग्स को एक तरह से यूज करने का, एक स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स यूज करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को। यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो पैरेंथेसिस अगर ना भी यूज करें तो चल जाएगा, मतलब हो जाएगा? नहीं, ये इसका सिंटेक्स है। ये देखिए फॉर्मेट मेथड जो है ये इसका सिंटेक्स है, आपने इसके साथ पैरेंथेसिस जरूर यूज करनी है। जैसे अगर आप प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस यूज ना करें तो आपको सिंटेक्स एरर आ जाएगा, इसमें भी सिंटेक्स एरर आएगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने एक वेरिएबल बना के उसके बाद उसमें कोई चीज ऐड, एक और स्ट्रिंग ऐड की, हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट का फंक्शन लिया, जैसे हम लोग ऊपर भी करते आए हैं कि हम वेरिएबल बनाए बगैर प्रिंट के फंक्शन में हम लोग डायरेक्ट चीजें लिखते हैं। प्रिंट के अंदर हमने एक स्ट्रिंग लिख दी और जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की स्पेस हमने दे दी कर्ली ब्रेसेस के बाद, और अब हमने, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग तो नहीं है ना, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन कैसे हम यूज करते थे या फॉर्मेट मेथड, अगर मैं मेथड कहूँ या फंक्शन कहूँ तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो स्लाइट डिफरेंस है और अभी आपको इस बिगिनर लेवल पे इतने ज्यादा डिफरेंस के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मेट मेथड का सिंटेक्स ये था कि आपने पहले स्ट्रिंग का, मैम फंक्शन वो होता है जो हम बगैर किसी ऑब्जेक्ट के बनाते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट के अंदर बनाए तो वो मेथड होता है, am I right? हाँ जी, यही डिफरेंस है या इसके अलावा भी कुछ है? अब्दुल्ला मैं अभी जब से आया ना मैं यही बात कर रही हूँ एक्चुअली कि आपने फंक्शन मेथड तकरीबन एक चीज है, आपने अभी उसके ज्यादा डिफरेंस पे नहीं जाने, मेरे ख्याल से आप लोगों ने कुछ डिस्कस किया भी था, मैंने लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैं नहीं थी, लेकिन आप लोगों को अगर इसमें फंक्शन और मेथड का डिफरेंस अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां पे पढ़ेंगे जहां पे हम फंक्शंस को कवर करेंगे, बिल्डिंग फंक्शन और उसके बाद बाकी फंक्शन हम पढ़ेंगे। अभी अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो ये बेसिक चीज जो मैं बताना चाह रही हूँ वो भी समझ नहीं आएगी। तो ये मैं कह रही थी कि फॉर्मेट का सिंटेक्स ये है कि आपने पहले स्ट्रिंग का नाम लिखा उसके बाद डॉट फॉर्मेट, तो जब हमने प्रिंट में डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखी तो उसमें तो स्ट्रिंग का नाम नहीं है, तो हम उसी स्ट्रिंग के बाद डॉट फॉर्मेट लिख देंगे और फॉर्मेट के अंदर जो चीज आएगी वो इस स्ट्रिंग में कंकेटिनेट, आप लोग कह लें, ऐड हो जाएगी या एड हो जाएगी। इधर मैं लिख दूं कि इसको एफ स्ट्रिंग भी कहते हैं। और इस तरह एक और भी ये चीज है, इसमें हम लोगों ने ये एक और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का मेथड है, सिंटेक्स यू कैन से, इसको इजीली लिखने के लिए हमने एक वेरिएबल लिख दिया, सॉरी वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग ऐड कर दी, लेकिन यहाँ पे हमने ये कर्ली ब्रेसेस नहीं दी जो हम पहले फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स के तौर के लिए देते थे। तो अब हमने इसको कैसे यूज किया, हमने एफ लिया, एफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा प्रिंट के अंदर एफ, उसके बाद एक हमने स्ट्रिंग लिख दी और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने उस वेरिएबल का नाम लिख दिया जिसमें पहले स्ट्रिंग ऐड थी। ये भी सेम वही काम करेगा जो ये वाला सिंटेक्स या फिर ये वाला सिंटेक्स कर रहा था। अगर इसको हम रन करके देखें तो वही चीज, माई नेम इज, उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट्स में एक वेरिएबल है, अब वो वेरिएबल में क्या है अली, तो वो उस वेरिएबल को इधर लिख देगा। इसका सिंटेक्स याद रखने वाली चीज है और काम इसका सिंपली यही है कि आपने एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरे स्ट्रिंग को ऐड कर दिया इजीनेस के लिए। इसके लिए हम एडिट का भी तो यूज कर सकते हैं ना, हमें पाइथन एडिट का भी तो ऑप्शन देता है ना, ये तो नहीं है कि हम एडिट नहीं कर सकते, फिर हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को, क्या बेनिफिट होगा? अच्छा आप कल की क्लास में आएंगी? जी मैम इंशाल्लाह। ठीक है फिर हम लोग ना एक छोटी सी कल के लिए प्रैक्टिस रखते हैं, कल का या फिर मैं अभी
अच्छा अब ये बात आप लोग मुझे बताएं, मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रोग्राम देना चाह रही हूँ जो आप लोगों ने सॉल्व करना है, उसमें आप लोगों ने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करनी है। आपने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को यूज करके भी वो सिंटेक्स लिखना है और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को यूज आवाज नहीं आ रही। आई थिंक इंटरनेट इशू बन गया, तो हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं मैम का। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मैम आ रही है। यस मैम। मेरा एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अच्छा मैं पूछ रही थी कि मैं एक प्रोग्राम करवाना चाह रही हूँ आप लोगों से, तो आप लोग बताएं कि क्या मैं आप लोगों को स्लैक पे वो शेयर कर दूं, क्या आप खुद से ट्राई करेंगे या फिर कल की क्लास में करें हम वो प्रोग्राम? मैम खुद से ट्राई करेंगे, स्लैक में शेयर करें। शुमाइला शायद आपका क्वेश्चन था, आप बता दें। जी मैम ऐसा ही करते हैं, खुद से ट्राई करते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है फिर मैं आपको स्लैक में शेयर कर दूंगी, आप लोगों ने वो ट्राई करना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मैं किसी को भी कह दूंगी जिसने प्रिपेयर किया होगा कि आप अपना प्रेजेंट कर दें या फिर मुझे यहाँ पे लिखवाएं प्रोग्राम, तो इंशाल्लाह उसमें भी आपकी एक तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी आपको कवर हो जाएगा कि ये क्यों हम यूज करते हैं,
वॉइस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरा अगेन डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। मैं फिर से शेयर करती हूँ स्क्रीन। अब आवाज आ रही है वैसे? यस मैम। ऑलराइट, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग बता दीजिएगा। वाइट स्पेसेस की हम बात कर रहे थे। वाइट स्पेसेस वो स्पेसेस होती हैं जो के स्ट्रिंग के स्टार्ट में या फिर एंड पे होती हैं। जो स्ट्रिंग के दरमियान में हम लोग ब्लैंक स्पेसेस यूज करते हैं वो हम वाइट स्पेसेस में कंसिडर नहीं करते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हमारे पास बहुत बड़ी स्ट्रिंग होती है और उसमें हमारी स्टार्टिंग में या एंडिंग में वाइट स्पेसेस आ जाती हैं और हमने कुछ ऐसा फंक्शन यूज करना है जिसने करेक्टर्स को काउंट करना है या किसी इंडेक्स के तौर इंडेक्स पे काम करना है किसी भी, तो हम लोगों को वो वाइट स्पेसेस रिमूव करनी पड़ती हैं। अच्छा, ये भी हम लोग कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जाके हम बैक स्पेस कर दें, लेकिन पाइथन में इसके लिए एक मेथड मौजूद है और वो मेथड क्या है, उसको हम कहते हैं स्ट्रिप मेथड। इसका मतलब ये होता है कि आपने स्टार्टिंग में और एंडिंग में अगर वाइट स्पेसेस हैं तो उसको रिमूव कर देगा। अब हमारे पास एक स्ट्रिंग है एक्स के नाम से हेलो वर्ड और इसके एंड पे और एंड स्टार्टिंग में और एंडिंग में हमारे पास वाइट स्पेसेस है। इसको मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से रन होता है। ये हमारे पास हो गया, इसमें एंड पे और स्टार्ट में और एंड पे वाइट स्पेसेस हैं। अब हमने इनको रिमूव करने के लिए उसी तरह जिससे हम किसी भी मेथड का सिंटेक्स यूज करते हैं कि पहले किस ऑब्जेक्ट जैसे आप लोग कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं मेथड, उसका नाम लिख के यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम, फिर डॉट और उसके बाद स्ट्रिप का मेथड हमने यूज कर दिया। और इसके सिंटेक्स में भी हमारे पास पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के बगैर ये पाइथन इसको कंसिडर नहीं करेगा कि ये क्या चीज़ है। ये इसको इसकी वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देगा। ये देखें, जैसे यहाँ पे मैंने इसीलिए ऊपर पहले प्रिंट करवाया था ताकि आपको पता चले यहाँ पे एक वाइट स्पेस मौजूद है जिसको पाइथन प्रिंट रिमूव करके स्ट्रिप फंक्शन ये स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहा है। इसी तरह इधर एंड पे भी एक वाइट स्पेस मौजूद है जो कि अभी हम लोगों को नहीं पता चलेगी। स्ट्रिप मेथड यूज होता है वाइट स्पेसेस को रिमूव करने के लिए स्ट्रिंग में। मैम, स्ट्रिप मेथड वर्ड स्पेसेस को रिमूव करता है फ्रॉम बोथ साइड या एक साइड से भी कर सकता है? अगर एक साइड पे है वर्ड स्पेस तो फिर वो एक साइड पे करेगा। फॉर एग्जांपल एंड पे अगर नहीं हमने दी हुई स्पेस तो उसने सिर्फ पहले वाली कर दी। अगर एंड पे हमारे पास वर्ड स्पेस है स्टार्ट में नहीं है तो फिर वो एंड वाली करेगा। जहां पे उसको वर्ड स्पेस नजर आ जाएगी वो उसको रिमूव कर देगा। अगर दोनों तरफ भी वर्ड स्पेसेस ना हो तो फिर क्या होगा? जहाँ पे उसको वाइट स्पेस नजर आएगी वो इसको रिमूव कर देगा। और ये बात याद रखनी है कि जो स्ट्रिंग के दरमियान में करेक्टर्स के दरमियान में स्पेस आ रही है वो एक करेक्टर है ना कि वाइट स्पेस है। यानी ये जो चीज है ना इधर तक ब्लैंक, ये वाइट स्पेस नहीं है, इसको नहीं स्ट्रिप फंक्शन रिमूव करेगा या स्ट्रिप मेथड। जी जी, किसी का जाहिद आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैडम मींस क्या है, तो मतलब कि ये एक आर स्ट्रिप भी होता है, आर और एल स्ट्रिप लेफ्ट से स्पेस रिमूव करने के लिए राइट। मेरे ख्याल में यहाँ पे इंटरनेट का इशू है शायद, इसलिए अगर किसी को जाहिर की क्वेश्चन की समझ आई है या उन्होंने क्या कहा है तो काइंडली बता दें। उनकी आवाज़ क्लियर नहीं है जाहिद, अगर आप स्लैक पे अपना मैसेज ड्रॉप कर दें तो होप सो कि वहाँ पे आपको इजीली आंसर किया जा सकता है। या फिर अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रिप्लेस स्ट्रिंग,
रिप्लेस, जैसे कि नाम से भी पता चले कि एक स्ट्रिंग को किसी दूसरी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया, या फिर स्ट्रिंग के किसी एक करेक्टर को किसी दूसरे करेक्टर से पता रिमूव सॉरी रिप्लेस कर दिया. यस, हम लोग स्ट्रिंग है हमारे पास हेलो वर्ल्ड के नाम से, और हमने प्रिंट कर दिया स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस के अंदर हम लोग एज इट इज जैसे बाकी मेथड्स में होता है उसकी पैरेंथेसिस, लेकिन पैरेंथेसिस खाली होती हैं. यहाँ पे हमने क्या किया, पैरेंथेसिस में दो कैरेक्टर्स दे दिए और उन दोनों को सेपरेट किया हमने कॉमा से. अब इंटरप्रेटर वर्क कैसे करेगा, वो रिप्लेस कर देगा फर्स्ट कैरेक्टर को सेकंड कैरेक्टर से, यानी जहां पे उसको ई नजर आएगा स्ट्रिंग में वो वहां वहां एक्स प्रिंट कर देगा. समझ आए, अगर हम लोग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे देते तो भी इसने जहां पे ई एल उसको नजर आना था उसने वहां पे एक्स लिख देना था. देखिए यहाँ पे एक ही जगह उसको ई एल नजर आया और वो है एच के बाद, उसके बाद उसको कहीं भी ई एल नहीं नजर आया, तो उसने इसी जगह पे एक्स डाल दिया. मैम अगर ई एल की स्पेस पे कोई ऐसा अल्फाबेट्स लिखे हैं जो हमारी स्ट्रिंग में ना हो, फिर ये क्या प्रिंट करेगा? क्या प्रिंट करना चाहिए? जहां पे उससे आई मिलना था उसने वहां पे एक्स को रिप्लेस कर देना था. उसने जब स्ट्रिंग में इंटरप्रेटर यहाँ से चला करेक्टर टू करेक्टर, उसने स्ट्रिंग को रीड किया, आई मिला ही नहीं, उसने रिप्लेस भी नहीं किया. मैम हम स्पेस को भी करवा सकते हैं रिप्लेस या सिर्फ स्ट्रिंग ही होगी? बिल्कुल करवा सकते हैं, ये देखें. और क्यों करवा सकते हैं इस, मैं चाहती हूँ आप में से कोई इसका आंसर दे कि क्यों हम स्पेस को रिप्लेस कर दिया इसने जैसे बाकी करेक्टर्स को किया. मैम बिकॉज क्योंकि वो उसे कंसीडर व्हाइट स्पेस नहीं है ना, करेक्टर ही कंसीडर. मैम अभी आपने बताया व्हाइट स्पेस को भी मैम वो कर सकता है क्योंकि व्हाइट स्पेस भी लेती तो है वो मेमोरी. मैम अभी आपने बताया था जो व्हाइट स्पेस है, हां जी व्हाइट स्पेस भी मेमोरी के तौर पे कंसीडर होती है, लेकिन उसको बिल्कुल वो भी कैरेक्टर के तौर पे कंसीडर होती है. कि स्पेस को भी उसने इसी तरह किया, एक्स रिप्लेस कर दिया. अच्छा मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही है कि ये चीज जो है ना अगर वाइट स्पेस तो ये शायद रिप्लेस नहीं होगी या कुछ, ये भी करेक्टर ही है, लेकिन वाइट स्पेस स्पेसिफिकली उस स्पेस को कहते हैं जो कि स्ट्रिंग के स्टार्ट पे और एंड पे होती है. जी ये सिर्फ आई थिंक ये सिर्फ जब हमने करना है ना उसे स्पेसेस खत्म करने वाला मेथड करने लगाने सिर्फ तब इसने रिमूव होना, उसके अलावा बाकी सब के लिए एक करैक्टर ही काउंट होगा. हाँ जी, हम जब हमने इसको रिमूव करना होता है तब भी एक करैक्टर होता है, लेकिन अगेन कुछ प्रॉब्लम्स में हम लोगों को स्ट्रिंग के स्टार्ट में और एंड पे जो होती है जिनको हम वाइट स्पेसेस कहते हैं, हम टर्म यूज करते हैं वाइट स्पेसेस सिर्फ उसी स्पेस के लिए जो कि स्ट्रिंग के स्टार्ट में और स्ट्रिंग के एंड में होती है, और उसी को रिमूव करने के लिए स्ट्रिप मेथड यूज होता है, दरमियान वाली स्पेसेस को वो रिमूव नहीं करता. मैम रिप्लेस के बाद जी मैम कमेंट बॉक्स में किसी ने एल स्ट्रिप एंड आर स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है. हाँ जी मैं देख रही हूँ एल स्ट्रिंग और आर स्ट्रिप. अब मेरे ख्याल से ये वो क्वेश्चन किसी ने किया था कि अगर एक वाइट स्पेस हो कुछ इस तरह से, तो उसके रिप्लाई में किसी ने लिखा एंड वाहिद ने लिखे, थैंक यू सो मच वाहिद. यहाँ पे हम लोग इसको ऐड भी कर देते हैं. एल स्ट्रिप यानी कि उसमें जो लेफ्ट पे स्ट्रिप है उसको सिर्फ रिमूव करेगा, और आर स्ट्रिप यानी कि जो सिर्फ राइट पे स्ट्रिप है उसको रिमूव करेगा. आप लोगों के पास ये नोट्स मौजूद हैं स्लैक पे, ये नोट्स जो शेयर किए हैं क्या उसमें सारी स्ट्रिंग्स के नोट्स मौजूद हैं? मैम निम्रा ने शायद नहीं देखे, यानी कि ये अभी जो हम कर रहे हैं ये अभी नोट्स आपको मिलने हैं? यस मैम. फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे.
थैंक यू सो मच. और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चीज़ ऐड करनी चाहिए, कोई चीज़ आपको पता होती है जो कि बिगनर लेवल पे है और बाकियों को कंफ्यूज ना करे, तो आप लोग ज़रूर बताया करें, फ़ायदा होता है. क्योंकि अब हम बहुत सी चीज़ें पाइथन में, काफ़ी फंक्शंस, काफ़ी मेथड्स हैं, हम लोग कुछ खुद स्किप कर देते हैं, कुछ हम लोगों को याद भी नहीं रहता ऐड करना. तो आप लोग बता दिया करें इस तरह, अगर आपके माइंड में कुछ भी चीज़ आ रही है. रिप्लेस हमने कर लिया. इसके बाद स्प्लिट स्ट्रिंग. आप लोगों ने पहले स्लाइसिंग देखी है. स्लाइसिंग में ये होता था कि एक स्ट्रिंग का हम लोग पर्टिकुलर कुछ इंडेक्सेस के करेक्टर्स हम लोग उठा लेते थे, उसको स्लाइस करके उठा लेते थे. जैसे एक केक है, उसका हमने स्लाइस किया और वो स्लाइस उठा लिया. इसी तरह हमने स्ट्रिंग को स्लाइस किया और वो स्लाइस हमारे पास आ गई. स्प्लिट स्ट्रिंग में क्या होता है कि हमने स्ट्रिंग को तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया कुछ पॉइंट्स पे. किन पॉइंट्स पे, ये हम लोग अब देखेंगे. एक वेरिएबल है हमारे पास मैसेज के नाम से, जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग ऐड की है और इसके ऊपर हम स्प्लिट का फंक्शन यूज कर रहे हैं, मेथड यूज कर रहे हैं. इसको रन जब हम करेंगे तो ये हर ब्रेक पे इस पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा. ये देखें, इन्होंने पहला जो स्पेस से पहले था वही, वो अलग कर दिया, कैन अलग कर दिया, यूज अलग कर दिया और इसको एज अ लिस्ट लिख दिया, हर चीज को स्प्लिट करके. यानी कि स्ट्रिंग हमारी टूट चुकी है. अब हम इसमें कुछ चीज ऐड भी कर सकते हैं, कुछ चीजें. मैम जी, ये हम क्यों कर रहे हैं, मतलब स्प्लिट इसका क्या फायदा है, क्यों किया है हमने? को तोड़ने के लिए. अच्छा, इसका फायदा ये है कि हम लोगों ने स्ट्रिंग को, मैं अब आगे थोड़ा सा बताऊं तो फिर आप लोगों को शायद पता चले कि क्या फायदा है इसका. ओके मैम, ओके ठीक है, आप सुनें, मैं इसी तरफ आ रही हूँ. मैंने कहा कि हम लोग इसमें कुछ चीजें और भी ऐड कर सकते हैं. जब हमने सिंपल स्प्लिट का मेथड यूज किया, पैरेंथेसिस यूज की जैसे हम बाकी सब में यूज करते थे, तो उसने क्या किया, जहां जहां पे स्पेस थी वो अलग अलग करेक्टर या सेट ऑफ करेक्टर्स को उसने अलग कर दिया और एक लिस्ट के तौर पर हमें शो कर दिया. अब अगर इस स्प्लिट के अंदर मैं कोई करेक्टर दे दूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया एफ करेक्टर, अब इसने क्या करना है, अब इस फंक्शन या इस मेथड ने स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देना है हर उस जगह पे जहां पे एफ था. पहला एस उसको यहाँ पे उसने चेक किया, पहला एफ यहाँ पे, इससे पहले तक सारी जो भी करेक्टर्स थे उसने एक एलिमेंट के तौर पर लिखे, उसके बाद इस एस को स्किप करके फिर नेक्स्ट एस तक उसको क्या मिला, ई और स्पेस. उसने ये दोनों चीजें लिख दी सेकेंड एलिमेंट के तौर पर, उसके बाद एस, क्योंकि हमारी वो पॉइंट है जहां पे स्ट्रिंग हमारी स्प्लिट हो रही है, स्ट्रिंग टूट रही है, एस को वो स्किप करता जाएगा, उसके आगे पीछे जितने भी उसको करेक्टर्स मिलेंगे उनको एलिमेंट्स के तौर पर सेव करता जाएगा. किसी ने क्वेश्चन किया, अगर पूरा एक ही बिग वर्ड हो तो वो कैसे स्प्लिट करेगा. मेरे ख्याल से यही था कि शायद आप कह रहे हैं कि इधर कोई हम वर्ड लिख लें, कुछ ऐसा कहना चाह रहे थे आप. जो भी करेक्टर्स या सेट ऑफ करेक्टर्स हम इस मेथड के अंदर देंगे वो वहां पे स्ट्रिंग टूट जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी. और जिन्होंने पूछा कि हम इसको यूज क्यों करते हैं, तो हम इसको यूज भी इसीलिए करते हैं कि हमने कहा कुछ पॉइंट्स पे स्ट्रिंग को तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है और उसके बाद हमने इसको यूज करना होता है. जब आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएंगे तो आपको ये छोटी छोटी चीजें वहां पे इस्तेमाल होंगी. अभी हम लोग सिर्फ इसका पढ़ेंगे. अच्छा, ये भी ये आउटपुट है इसका, इसकी आउटपुट भी हम स्ट्रिंग में मिलेगी या ये आई थिंक उसमें टपल में मिल रही है. मुझे ना बगैर चेक किए मैं आपको बता नहीं रही क्योंकि मैं खुद इसमें थोड़ी कंफ्यूज हूँ. अच्छा, इसका जो फॉर्मेट है वो तो है बस लिस्ट वाला फॉर्मेट है, बिल्कुल लिस्ट ही है, क्लास लिस्ट में आ जाएगा ये. जैसे मैं अभी आपको बताई थी कि एलिमेंट्स को उसने ब्रेक कर दिया. जी, लास्ट लेक्चर्स में आई थिंक हमने पढ़ा है कि जो लिस्ट में आंसर आता है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं,
आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ज्वाइन की कमांड यूज करके, तो यहाँ पर भी होती है चेंजेबल। इसके बाद आपने क्या कहा, यहाँ पे क्या हम यूज करें, ज्वाइन फंक्शन? जी अच्छा, आप यहाँ पे ज्वाइन फंक्शन यूज करना चाह रही हैं। उसमें हमने क्या बनाया था आपको, कैरेक्टर्स आर वैलिड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग सेपरेटेड बाय द स्पेसिफाइड कैरेक्टर। यहीं पे पढ़ा था ना आपने? जी मैम यही पढ़ा था। ठीक, मैं अब इसे आपको आंसर नहीं कर सकती, बिकॉज हाँ ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमने जो लिस्ट में है उनको हम उस पर जॉइन मेथड यूज कर सकते हैं उसको स्ट्रिंग में ऐड करने के लिए, लेकिन इधर किस तरह से ये होगा ऐड वो मुझे नहीं पता एक्चुअली, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग को हम स्प्लिट कर रहे हैं वो रिजल्ट हमारे पास लिस्ट में आ रहा है। अब उस रिजल्ट वाली लिस्ट में जॉइन फंक्शन यूज हो सकता है, लेकिन मैंने कभी यूज किया नहीं, तो मैं आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई होप नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर भी बात कर लेंगे, अगर आप याद करवा दें तो। जी मैम ठीक है, थैंक यू सो मच। जहां तक हमारा स्ट्रिंग का टॉपिक क्लियर हो गया, इसके बाद हम लिस्ट ही पढ़ेंगे। स्ट्रिंग के टॉपिक में किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम अगर स्प्लिट हुआ होगा तो फिर उसको हमने अगर जोड़ना तो फिर किस फंक्शन से जोड़ेंगे, वापस सेंटेंस में बनाना होगा तो। आप ही जॉइन मेथड की बात कर रहे हैं? यस मैम, एक बार दोबारा उसको जरा इंप्लीमेंट कर दें तो अच्छा होगा नेक्स्ट लाइन में। जी चीज ये आप कह रहे थे कि इंप्लीमेंट कर दो, यहाँ पे स्प्लिट हो गया, आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई ठीक से। आपने कहा कि स्प्लिट हो गया तो उसके बाद उसको जोड़ना कैसे है? यस मैम, जोड़ना कैसे उसको, जब हमने तो जी हमने तोड़ दिया, अब जोड़ना कैसे है? नीचे जुड़ गई है एक्चुअली। जिनका क्वेश्चन था मैं आपको बताऊं कि देखिए आपको लग रहा है कि जो एक्चुअली हमने अगर स्प्लिट मेथड यूज किया तो अब ये स्ट्रिंग इस फॉर्म में नहीं मौजूद, हम लोगों को स्प्लिट हुई भी मिलेगी, तो ऐसा ही है। हमने ये स्प्लिट मेथड जो यूज किया था वो प्रिंट के फंक्शन के अंदर किया था, अगर हम स्प्लिट के बगैर उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहेंगे तो वो हमें ऐसे ही मिलेगी जैसे नॉर्मल स्ट्रिंग का हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है मैम, हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया, मेरा दिल है कि लिस्ट का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं, लेकिन उससे पहले अभी तक स्ट्रिंग में किसी को कोई इश्यू हो या वैसे कोई इश्यू हो तो बता दें। मैम जो लिखा हुआ है सेकंड स्टेप पे प्रिंट मैसेज डॉट स्प्लिट, उसके बाद दोबारा स्प्लिट लिखा हुआ है, अगर हम लोग यहाँ कोई ऐसा वर्ड यूज कर दें जो हमारे पास स्ट्रिंग में नहीं है तो फिर भी वो लिस्ट की फॉर्म में ही आउटपुट देगा। अब जो लिस्ट तो नहीं बनी क्योंकि लिस्ट में मल्टीपल आइटम्स या मल्टीपल चीजें होती हैं ना, तो मल्टीपल आइटम्स होते हैं। अच्छा अब आसमें ये आपको फॉर्मेट क्या नजर आ रहा है जो आउटपुट है हमारे पास? फॉर्मेट तो लिस्ट का है ना, लेकिन लिस्ट की डेफिनेशन ये नीचे भी लिखी हुई है जैसे कि मल्टीपल आइटम्स होने चाहिए, तो यहाँ तो वन आइटम है ना। मल्टीपल भी हो सकते हैं, वन भी हो सकता है, इसे मैं अगर आपको इसकी मैं टाइप बता दूं, लिस्ट क्लास लिस्ट है।
अच्छा देखिए लिस्ट क्या होती है कि लिस्ट में आप लोग यूज क्यों होते हैं, मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए यूज होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर एक आइटम है तो वो लिस्ट नहीं होगी, वो लिस्ट ही होगी, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, और जरूरी नहीं कि अगर ज्यादा आइटम्स हैं तो वो या ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो वो सेम डाटा टाइप के, डाटा टाइप भी डिफरेंट हो सकती है। और यहाँ पे ये अगर आपको था जैसे क्वेश्चन के अगर हमने कुछ ऐसा लिखा कि जो इसमें नहीं है, तो जैसे आपको पता था कि वो उसको एज इट इज प्रिंट करवा देगा, इसलिए आपने ये क्वेश्चन पूछना चाहा शायद कि ये लिस्ट ही होगी या नहीं, तो हाँ जी ये लिस्ट ही होगी, तो इस बात में नहीं आपने कंफ्यूज होना कि वो एक एलिमेंट है तो लिस्ट नहीं, एक एलिमेंट है तो भी लिस्ट है, एक से ज्यादा एलिमेंट है तो लिस्ट है ही। उसके अलावा किसी का कल वाला एक क्वेश्चन है सॉर्टिंग, पता नहीं वो मेथड था या फंक्शन था, आपने कहा था कि आप कल बताएंगे इसका। मैंने कहा था मैडम, मैं आंसर यस मैडम, ये सॉर्टिंग जो है ये डेफिनेटली टेबल का नाम है मैम, इसमें ऐसा होता था जब हम लोग अपर एंड लोअर लेते थे ना, उसमें जो हमारे पास वेरिएबल होता था जिसमें वैल्यूज हमारी स्टोर होती थी इसको, तो वेरिएबल का नाम पैरेंथेसिस में ऐड करेंगे तो वो इस वजह से फंक्शन उसको कह रहे हैं। सॉर्टेड में हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं पैरेंथेसिस में, इस वजह से वो सॉर्टेड फंक्शन कहलाता है शायद। आपका कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है जिन्होंने ये आंसर किया है, और जिनका क्वेश्चन था वो भी शायद यही था कि सॉर्टेड जो है वो फंक्शन है या मेथड है, क्योंकि मेथड में हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर लिख रहे होते हैं और सॉर्टेड में हम उस पैरेंथेसिस के अंदर उसका नाम लिख रहे होते हैं, सही। तो इसको आप फंक्शन कह सकते हैं, फिर फंक्शन ही। अच्छा हमारे पास 2 मिनट रह गया, मैं आपको कुछ बातें कह दूं और फिर हम लोग एंड करें मीटिंग। लिस्ट हम लोग अब इसके बाद से करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग टपल और डिक्शनरी सेट भी करेंगे। लिस्ट होता है एक्चुअली ये, जैसे आप ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, अब आगे आप लोगों को बिल्कुल इजी रहेगा। स्ट्रिंग तक आपको थोड़ा मुश्किल हुआ होगा क्योंकि उसमें सारी चीजें पड़ी हैं, आपने स्लाइसिंग पढ़ी है, इंडेक्सिंग पढ़ी है, नेगेटिव इंडेक्सिंग और ये सब कुछ। अब उन्हीं चीजों को हमने बस डिफरेंट डेटा टाइप में पढ़ना है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम मल्टीपल आइटम स्टोर करते हैं और स्पेसिफिकली उनकी सेम डेटा टाइप भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, और उस पर डिफरेंट उसकी कुछ क्वालिटीज, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लिस्ट की, वो उसको हम लोग अगर कह रहे हैं कि वो ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, तो ऐसा क्यों है या किन वजूहत पे हम कहते हैं कि लिस्ट ऑर्डर्ड है, क्यों चेंजेबल है, ये सब कुछ। और ये चीज हम लोग आइंदा से पढ़ेंगे। और इसके बाद एक बहुत जरूरी बात है कि जैसे आज दुरे आमना ने रिवाइज करवाया लेक्चर और प्रेजेंट किया, थैंक यू सो मच दुरे आमना एंड वेरी वेल डन, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट करवाया, और अगर आप लोग भी इस तरह से प्रेजेंट करवाना शुरू हो जाएंगे तो आपके ना सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होंगे बल्कि बहुत सी नई चीजें भी मिलेंगी और कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है इंसान का। मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कोई ना कोई कल भी कहेगा कि हम कुछ रिवाइज करवाना चाह रहे हैं। मैडम मैं कल करवा सकता हूँ? मैं कल करवा सकता हूँ? जी बिल्कुल आप करवा सकते हैं। जाहिद हाँ जी बिल्कुल, जाहिद रशीद ठीक है, आप जाहिद कल पहले आप प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आप टाइम पे ज्वाइन कर लें। कोई एंडिंग कमेंट किसी का या कोई क्वेश्चन? टाइम एंड हो चुके हैं मैडम, मेरा क्वेश्चन है। हेलो मैम। हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। मैडम हमने शुरू में पढ़ा था, मैंने प्रीवियस लेक्चर सुने थे, तो हमने पढ़ा था कि वेरिएबल के नाम हम रखते हैं, रिजर्व वर्ड्स नहीं रख सकते, ऐसा ही। हाँ तो मैंने ये कोलैब में जैसे फ्लोट नाम रख के फ्लोट रिजर्व वर्ड है बेसिकली FLOAT इज इक्वल टू 10.4 लिखा है, तो उसमें एरर वगैरह तो कोई नहीं है बेसिकली। इसी तरह स्ट्रिंग भी लेके वैल्यू प्रिंट करवाइए तो एरर नहीं है। अच्छा फ्लोट बिल्कुल, हम अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम हमने स्ट्रिंग लिखा था। नहीं नहीं str है ना रिजर्व वर्ड, तो str है ना बेसिकली स्ट्रिंग के लिए, लेकिन फ्लोट तो FLOAT लिखते हैं ना पूरा।
मैं एक दफा दोबारा वापस चाहती हूँ, हमने रिजर्व वर्ड्स में कौन कौन सी एग्जाम्पल लिखी हुई है। हम लोग बिल्कुल फ्लोट का भी के नाम से लिख सकते हैं वेरिएबल, और लिस्ट के नाम से भी होता है वेरिएबल, लिस्ट वन वगैरह मैंने लिखा है। जाहिद इसमें हमने कहाँ लिखा कि स्ट्रिंग या फ्लोट रिजर्व वर्ड्स में? मींस कि फ्लोट बेसिकली रिजर्व वर्ड नहीं है, जैसे मैं पूछना ये चाह रहा था। नहीं, रिजर्व वर्ड्स और जैसे आप इसको दोबारा भी पढ़ लेना, कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड वो होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे किसी फंक्शन का नाम, जैसे हमने अभी फंक्शंस पढ़े हैं जिसमें हमने वो पढ़ा है स्ट्रिप पढ़ा है फंक्शन, वो रिजर्व वर्ड है। पाइथन में ट्रू कैपिटल टी के साथ ट्रू, वो रिजर्व वर्ड है।